लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ के जवानों ने किया उत्पाद शराब सर्व नहीं करने पर रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। कृष्णानगर इलाके एक्स वेमेन रेस्टोरेंट का वाकया। 15 जून की रात नीली बत्ती लगी पंजाब नंबर की गाड़ी से आए थे सीआरपीएफ के करीब 8 जवान। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जवानों की तलाश, सीआरपीएफ को भी दी। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल के स्थानीय लोगों ने पीटा। प्रेमिका लगातार प्रेमी को छुड़ाने की लगाती रही गुहार, लोगों का नहीं पसीजा दिल। लोगों का शराब नाम के युवक पर आरोप, मोहल्ले का बिगाड़ रहा माहौल। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर लगा कि रेप का आरोप। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दर्ज कराया केस, जयेश पटेल हुए फरार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में हुए तिहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई वारदात। एक घर से एलआईसी के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का नग्न शव मिला। धारदार हथियार से हुई थी हत्या, पुलिस को किसी परिचित पर शक। यूपी के हापुड़ में नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दो आरोपी अभी भी फरार। गैंग रेप की पीड़िता का आरोप, पुलिस डाल रही है समझौते का दबाव, 3 दिनों तक हिरासत में रखा। फतेहाबाद में एक महिला को कुल्फी खाने में लगी 3.5 लाख की चपत, बैंक से पैसा निकालने के बाद कुल्फी खाते वक्त पर्स ले उड़े बदमाश। सोनीपत जिले में एक पति ने पत्नी की हत्या की, धारदार हथियार से रेता गला हुआ फरार। वडोदरा में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर फेंका गया तेजाब, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, दो आरोपी बाइक सवारों की तलाश जारी है। भोपाल में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर, अस्पताल में है भर्ती। लखनऊ और पीलीभीत के दो लड़कों में फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता ब्लैकमेलिंग और एक लड़की की खुदकुशी की कोशिश तक जा पहुंचा। लखनऊ के एक होटल में हुई थी दोनों लड़कों की मुलाकात, इस दौरान रिश्ता तोड़ने से खफा हुए एक लड़के ने चाकू से खुद को किया जख्मी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। कानपुर में 11 साल के मासूम आशुतोष की हत्या, वकीलों ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के स्ट्रांग रूम से सोना चोरी जब्त किया गया, कई किलो सोना गायब, चोरों ने सोने की जगह रखा उतने ही वजन का पीतल। वर्तमान जिले में पूर्वा एक्सप्रेस में स्मगलर से बरामद हुआ 5 किलो सोना, यूपी का रहने वाला माखन नाम का स्मगलर गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 नामजद आरोपियों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पंजाब के फजिलका में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को किया ढेर, एक को जिंदा पकड़ा, 15 किलो हेरोइन बरामद। चर्चित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ड्रग्स रैकेट में घिरी, ठाणे पुलिस के मुताबिक ममता कुलकर्णी के खिलाफ है पुख्ता सबूत, इंटरपोल जारी कर सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। बिहार टॉपर्स कांड में आज तक की खबर का सर, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल को समन, 22 जून को होगी पेशी। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू शर्मा ने पटना पुलिस के सामने किया सरेंडर, शंभू पर दर्ज हैं 2 दर्जन से ज्यादा केस। झारखंड के चाईबासा में कारोबारियों से लेवी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, नक्सली संगठन के नाम पर करते थे उगाही। झारखंड के गढ़वा में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में जेएमएम कार्यकर्ता पर पुलिस अधिकारी ने बरसाए तमाचे, निहत्थे प्रदर्शनकारी से ऐसे बर्ताव पर उठा सवाल। इंदौर के पत्रकार पूजा तिवारी की संदिग्ध मौत की जांच पर उठा सवाल, एसएचओ राजेंद्र सिंह बघेल पर पूजा ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप, लेकिन उन्हें ही सौंपी गई जांच। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल, 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में वापसी का इरादा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा रघुराम राजन के फैसले का सम्मान, कामकाज की सराहना की, बोले जल्द होगा नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन के 7 संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार, रेस में एसबीआई के एमडी अरुंधति भट्टाचार्य और अर्थशास्त्री आकेश मोहन का भी नाम। राहुल गांधी का तंज, पीएम को रघुराजन जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं, बोले रघुराम ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालत से बाहर निकाला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को रघुराम राजन के फैसले से हैरानी, बोले ये सरकार रघुराम राजन लायक नहीं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने यूपी के सीएम उम्मीदवार बनने से किया इनकार, इंडिया टुडे टेलीविजन से कहा इससे बेहतर पंजाब का प्रभारी बनना। एसआर ग्रुप के खिलाफ वीवीआईपी की फोन टैपिंग की, पीएमओ से शिकायत, पीएम ने दिए जांच के आदेश।
एसआर ग्रुप के खिलाफ गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। आप और कांग्रेस ने की थी जांच की मांग। एनएसजी पर भारत की दावेदारी को मिली और मजबूती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में कहा, भारत की सदस्यता के लिए चीन से संपर्क में है रूस। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, अमरनाथ यात्रा में खलल डाल सकता है पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार। 9 और 10 जुलाई को केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा। सोमनाथ और सूरत में कारोबारियों से मिलने का कार्यक्रम। आपके गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया, गुजरात में नहीं चलेगी नौटंकी। दिल्ली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर लॉ सेक्रेटरी ने जताई थी आपत्ति। केजरीवाल सरकार को विधानसभा में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पेश करने के लिए एलजी से मंजूरी का दिया था सुझाव। दो बार बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान को मोदी सरकार ने दी नई जिम्मेदारी बनाया। निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन चेतन चौहान को निफ्ट का चेयरमैन बनाने का आपने किया विरोध। कहा, मोदी जी की पूजा करने पर खेल के जानकार को मिली फैशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी।